जीवन बीमा की तरह स्वास्थ्य बीमा फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम चरण है। कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि जीवन बीमा से पहले स्वास्थ्य बीमा ज्यादा जरूरी और फायदेमंद है। बीमा लेते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अपने और परिवार के लिए पर्याप्त बीमा कवर लें, क्योंकि खासकर महानगरों में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों में लगातार बढ़ोतरी होती ही जा रही है। कैश अलाउंस और मेडिक्लेम में सोच समझ कर चुनाव करें, क्योंकि कैश अलाउंस में आपको एक निश्चित रकम ही मिलती है, जबकि मेडिक्लेम में आपके खर्च के हिसाब से रिइंबर्समेंट होता है। कैशलेस सुविधा जरूर लें, लेकिन जांच लें कि जिस अस्पताल में आप इलाज कराने जा रहे हैं वो कैशलेस नेटवर्क में है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बीमा खरीदते वक्त अस्पताल नेटवर्क में हो, लेकिन आपके इलाज के वक्त वो अस्पताल नेटवर्क से बाहर हो चुका हो। इसके अलावा बीमा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर सवाल जरूर करें। ऐसा भी हो सकता है कि 50 साल की उम्र में आप बीमा खरीदने जाएं और आपके जोखिम को देखते हुए रकम देने के बावजूद भी आपको बीमा न मिल पाए। ऐसे में शुरुआती दिनों में ही बीमा लेना हमेशा फायदेमंद होता है। शुरुआत में ही बीमा लेने के कुछ और फायदे भी हैं। आपकी उम्र कम होने की वजह से कवर पर प्रीमियम का खर्च कम होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप 1,00,000 का स्वास्थ्य बीमा कवर चाहते हैं, तो आपको हर साल 1,500 से 6,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप 30 साल में उसी कंपनी से बीमा लेना चाहेंगे, तो आपका प्रीमियम करीब 15% ज्यादा यानी 2,500 से 8,000 रुपए तक होगा। इसके अलावा कंपनियां पहले से चली आ रही बीमारियों को कवर नहीं देती और इसके लिए आपको 3 से 4 साल तक के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसलिए कम उम्र में बीमा कवर लेने से आपको फायदा होता है, क्योंकि 25 साल की उम्र में बीमारियों की संभावना कम ही होती है। साथ ही आपके जितने ज्यादा साल क्लेम फ्री होते हैं, यानी अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया है, तो आपका प्रीमियम बढ़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि कंपनी की निगाह में आपसे जुड़ा जोखिम कम होता है। जाहिर है कम उम्र में स्वास्थ्य बीमा लेना हर तरीके से फायदे का सौदा है। ऋतु गुप्ता की रिपोर्ट, DD News।